गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज हम क्लास 10 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर का कड़ा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु अन्य बिंदु पर टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, फिगर पहले बनाओ। यह एक टावर है और यह नदी है, यह एक नदी है। नदी के दूसरे सिरे पर इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बता रहा है। फिर कह रहा है इस बिंदु से इधर 20 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो हमको इस नदी की चौड़ाई मान लेंगे इसको यह, और टावर का हाइट पूछ रहा है ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, टावर की हाइट को मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र का वर्णन करेंगे, इसके बाद से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ताई चित्र का वर्णन देखते हैं। यहाँ चित्र के वर्णन में मानेंगे, माना ये टावर है और बीसी नदी है और बी से सी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु डी पर टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है। सी पर यह उन्नयन कोण सॉरी बी से सी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु बी पर उन्नयन कोण 30 अंश है और इसी टावर के शिखर पर सी पर उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें नदी की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई का अंतर होता है। टावर की ऊंचाई को एच मानेंगे और इस नदी की चौड़ाई को एक्स मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग अंदर के त्रिभुज को लेकर के चले थे, सेम उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब अंदर वाले त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, हमको यह लंब निकालना है और यह आधार निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे, लंब बटे आधार बराबर टैन 60। तो लंब का मान है यच, आधार का मान है यच, टैन 60 का मान है रूट 3। तो यच बराबर हो जाएगा यच रूट 3। इसको एक क्वेश्चन में मान लेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, बड़े बड़े त्रिभुज ए बी डी में संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में यहां पर लेके चलेंगे। इसमें भी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इक्वल टू टेन 30। अब यहां पर देखें, लंब का मान देखें यक्ष है और इस बड़े बड़े त्रिभुज का आधार यक्ष प्लस 20 बराबर इसका मान होता है 1/3। तो यहां से यह मान रखना है, तो मान इस प्रकार रखेंगे कि हमको थोड़ा सा सुविधा हो, यदि बदलने की जरूरत पड़ेगी तो बदल कर रहेंगे। तो यहां से यक्ष का मान रखें, यदि यहां से यक्ष का मान रखा जाए तो एच बाई रूट 3 रखा जाएगा, एच का मान ही रखें। तो क्या करें, एच का मान रखें तो एच प्लस 20 बराबर रूट 3 और एच के जगह पर एच रूट 3। एच का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से मान निकाल करके रखेंगे तो
क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इसको इधर ले लो, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 20, 10 टाइम कट जाएगा, x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब x इज इक्वल टू 10 समीकरण लिख कर ना हमारा मान निकल जाएगा, अब लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 करंट 3 मीटर, तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा कुछ, और एक आंसर नदी चौड़ाई 10 मीटर और इसका हाइट 10 करड़ी में 3 मीटर। इसी तरह से हम लोग शेष प्रश्नों को लगाएंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची कह रहा है, तो कहीं भी हाइट नापना रहता है तो समुद्र के तल से ही वह हाइट नापा जाता है। समुद्र का तल को का लेवल बराबर होता है, पानी का तल सदर सभी जगहों पर बराबर होता है, कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं होता है, इसीलिए जो भी हाइट नापना रहता है वह समुद्र के तल से ही नापा जाता है। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची, तो मान लीजिए यह समुद्र तल है और इससे 75 मीटर ऊंची दूरी पर से यह हाइट लाइट हाउस का हाइट है 75 मीटर, यहाँ से देखा जा रहा है एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, तीन जहाजों का अवमान कोण कह रहा है कि यह जहाजों का जो अवमान कोण है 30 अंश है और 45 अंश, तो हमको इन जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं दूरी x है और जब यह 30 अंश का है तो यह भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का अंतर कोण, और यह 45 अंश का है तो यह कोण भी 45 अंश का हो जाएगा इस अंतर कोण के नियम से। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो cd बराबर x मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यह बच रहा है इसका भी जरूरत पड़ेगा तो इसको y मान लेते हैं, यह मान लेंगे कि y। अब यहाँ से हम लोग चित्र का वर्णन करेंगे, चित्र का वर्णन हो जाएगा तो इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं चित्र का वर्णन देखते हैं। अब यहाँ पर हमको दोनों जहाजों के बीच दूरी निकालना है, सीधी बराबर एक्स मान लिए और उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर बी सी निकालना पड़े बार बार, इसलिए वाई मान लिए। तो हम लोग पिछले साल की तरह से लगाएंगे, छोटे त्रिभुज को लेकर चलेंगे फिर बड़े त्रिभुज को लेकर चलेंगे, तो संकोण त्रिभुज की बी सी से समकोण त्रिभुज एबीसी से सेम रिलेशन लंब मालूम है आधार मिला है, तो लंब बटे आधार इज इक्वल टू टेन 45, तो लंब का मान है 75, आधार का मान है वाई एक, टेन पदार्थ समान एक होता है तो वाई बराबर 75 हो जाएगा। अब संपूर्ण त्रिभुज क्या करें, एबीडी ए बी डी को लेकर के चलेंगे, तो हमको जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करेंगे संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर लंब बटे आधार बराबर टेन 30, तो लंब का मान है 75, आधार का मान कितना है x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई और टैन थर्टी का मान करो वन बाई रूट थ्री। इसका किसका मान मालूम करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स प्लस वाई बराबर पचहत्तर रूट थ्री। तो एक्स बराबर वाई का मान मालूम है इसके बदले पचहत्तर रूट थ्री माइनस वाई बराबर पचहत्तर रूट थ्री और यहाँ से पचहत्तर आया है बराबर पचहत्तर रूट थ्री माइनस वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता हो गया। इस स्थिति में बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा जा रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और आदमी का ऊंचाई की पोजीशन को शो नहीं करना पड़ेगा। एक हम लोग मीनार की तरफ से बनाएंगे उसी से हमारा काम चल जाएगा इस तरह से। अब यह एक मीनार है, इस मीनार पर एक आदमी खड़ा है, उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह किसी समय देख रहा है इस एक गाड़ी को जो इसके आधार की तरफ जा रही है, उन्हें कोण इसका 30 अंश है और कुछ समय के बाद यह उन्हें कोण बढ़कर के 60 अंश का हो जा रहा है। तो कह रहा है कि मीनार से यहाँ से यहाँ तक यदि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। लेकिन इसमें कुछ दिया, ज्यामिति के प्रयोग से इसको हल करेंगे। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू ही लगेगा, लेकिन पहले इसमें ज्यामिति लगेगा फिर इसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंस लगेगा। इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको बी सी और डी। अब यहाँ पर चित्र का वर्णन करते हैं। यहाँ पर से व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ से खड़ा व्यक्ति दिख रहा है, खैर कुछ ध्यान से समझेंगे। यहाँ से खड़ा व्यक्ति इस कार को देख रहा है, वाहन को देख रहा है, यहाँ पर अवनमन कोण 30 अंश है और यह कार इसकी तरफ जा रही है। कुछ समय के बाद अवनमन कोण बढ़कर के 60 अंश हो जा रहा है। यह कोण 30 अंश है और यह कोण 60 अंश है। एकांतर कोण इसका एकांतर यह और इसका एकांतर यह 60 अंश का हो जाएगा। तब हमको इसमें यहां से बी से सी तक जाने में 6 सेकंड लग रहा था, सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। इसमें व्यक्ति का हाइट नहीं दिया हुआ है तो यहां पर व्यक्ति को शो नहीं किया जाएगा, उसी तरह से बन जाएगा फिगर। व्यक्ति का हाइट दिया रहता तो मीनार के ऊपर उसका हाइट दिखाना पड़ता है और यहां पर कोई भी हाइट नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के अंतर्गत ज्यामिति का प्रयोग करके और ज्यामिति का प्रयोग करके कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करके जो हमको चाहिए वो निकाल लेंगे। आइए अब चित्र का वर्णन करते हैं। यहाँ पर हम लोग ए बी पर ए बी मीनार है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को शो नहीं करना है। यह यहाँ से देख रहा है जब कार डी पर है तो अवनमन कोण 30 अंश है और तो यहाँ पर यह कोण एकांतर कोण होने के कारण 30 अंश हो जाएगा। कार जब मीनार की तरफ जा रही है तो बिंदु सी पर पहुंच रही है तो यह अवनमन कोण 60 अंश हो जा रहा है, इसलिए यह कोण 60 अंश हो जाएगा। तो अब हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में डी से सी तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है तो सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, आइए देखते हैं। तो हम सवाल की शुरुआत में बोले हैं कि पहले क्या किया जाएगा, पहले ज्यामिति लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए सी डी के लिए यह वही कोण है, इसका नाम यह कोण और इस कोण के ऊपर की बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस कोण का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमको कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से कोण ए सी डी बराबर कोण सी ए डी प्लस कोण ए बी सी, यह कोण प्लस यह कोण। अब यहाँ पर यह कोण 60 डिग्री का है और सी ए डी और यह कोण
30 डिग्री। अब देख रहे हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो गए, बराबर कोण, इसलिए कोण एबीसी बराबर कोण सीएबी बराबर 30 अंश। तो जब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, यह हम लोग जानते हैं। इसके सामने की भुजा यह और इसके सामने की भुजा यह आपस में बराबर हो जाएगा। कोण बी के सामने की भुजा एसी और कोण ए के सामने की भुजा सीडी, यहां पर लिखेंगे बराबर किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के समूह भुजाएं बराबर होती है। अब हमारा काम हो गया है, इतना हमको मालूम हो गया कि यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग इस त्रिभुज में हमको इस भुजा के बारे में जानना है और इस भुजा के बारे में मालूम है, तो इन दोनों भुजाओं का संबंध लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब पहले तो हम इसको इमेज कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज एबीसी, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में आधार बटा या आधार हो जाएगा या कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बराबर cos 60। आधार का मान है BC और कर्ण का मान है AC या 1/2। BC बराबर AC पर ऊपरा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और AC BC बराबर है CD के, इसलिए BC बराबर तो यानी कि यह जो दूरी है इस दूरी का आधा है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि चाल एक समान रहेगा, तो चाल जब एक समान रहेगा तो जाने में समय क्या हो जाएगा, जब दूरी आधी होगी इसलिए समय भी आधा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चाल नियत है इसलिए सी से डी तक जाने में लगा समय बराबर, तो यहां पर जब दूरी आधी हो जाएगी तो समय भी आधा हो जाएगा। बस यहां पर यही समझना है, जो ही दूरी आधी होगी समय भी आधा हो जाएगा। तो यहां से यहां पर हम 6 सेकंड तो आधा करेंगे तो 3 सेकंड। प्यारे बच्चों यही ध्यान देना है यहाँ पर, और कुछ इस सवाल में नहीं है कि यहाँ से जब डाटा नहीं दिया जाएगा तो यह कोण ज्ञात करेंगे, तो इन इस भुजा में और इस भुजा में कोई ना कोई संबंध आ जाएगा, तो इससे अगले वाले त्रिभुज से उसका मान निकाल करके संबंध लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर, बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। प्यारे बच्चों यहाँ पर मीनार के आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदुओं का दूरी दिया गया है, मान लीजिए यह मीनार है और सरल रेखा पर स्थित यह दो बिंदु, एक की दूरी 4 मीटर है और एक की दूरी 9 मीटर है, और यहां पर जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, यहां पर जो उन्नयन कोण बन रहे हैं यह एक दूसरे के पूरक कोण है। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि पूरक कोण होता क्या है, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, यानी कि एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
यहाँ पर हम इस कोण को थीटा मान ले रहे हैं, यह कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका नामकरण कर रहे हैं ए बी सी और यह इसकी दूरी 4 मीटर है और यहाँ से यह दूरी पूरा सी से इसकी दूरी 9 मीटर है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ये समान है। अब वर्णन करें चित्र का, उसके बाद सवाल को सॉल्व करो। चित्र का वर्णन करते हैं, चित्र का वर्णन करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर यह सीधी मीनार है और इसके आधार पर सरल रेखा में स्थित 4 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है और इस आधार से 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है। यहाँ पर इन बिंदुओं के जो उन्नयन कोण इस शीर्ष के साथ हैं वह एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कि दोनों कोण का योगफल 90° है। तो हमको मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना है कि 6 मीटर है, तो हम लोग इसको एच मान रहे हैं और उसको ज्ञात करेंगे, देखो कितना आ रहा है। तो यह कोण थीटा है, यह कोण 90° - θ हो जाएगा। दो कोणों का योगफल दोनों यह कोण प्लस यह कोण बराबर हो गया, तो थीटा मान के 90° - θ हो जाएगा। अब हम अंदर से सवाल करना शुरू करेंगे। लंब बटा आधार, यहाँ से इक्वेशन आएगा, फिर बड़े बड़े त्रिभुज के लिए लंब बटे आधार करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, या इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण त्रिभुज ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी से लंब बटे आधार बराबर टैन थीटा, लंब का मान है एच और आधार का मान है 4 बराबर टैन थीटा, यह समीकरण एक है। फिर समकोण त्रिभुज एसी बीसी, यहां पर भी लंब बटे आधार बराबर टैन थीटा की जगह पर है 90° θ। तो लंब की जगह पर एच, आधार की जगह पर 9 और टैन 90° θ क्या होता है, काट थीटा होता है, काट थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को देखा जरा, यहाँ पर एच का मान निकालना है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर टैन थीटा है और यहाँ पर काट थीटा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर किसी भी कोण का मान नहीं दिया है, लेकिन थीटा को हमको रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस होगा, तो जरा ध्यान दें, यहाँ से टैन थीटा और काट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सवाल इसीलिए पूरा कोण दिया है कि दोनों का पूरा करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो से एच बटे 4 × h/9 बराबर टैन थीटा इंटू काट थीटा, तो यह हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 36 बराबर टैन थीटा इंटू 1/tan θ कट जाए, एक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, तिरियक पूरा कर दें तो एच स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। अब एच स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो वर्गमूल ले लें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। यहाँ पर कह देंगे वर्गमूल लेने, वर्गमूल लेके हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। Thanks, have a nice day.